हेलो एवरीवन, पाटीदार MPPSC यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। पॉलिटी के बारे में चर्चा कर रहे हैं अपन। मौलिक अधिकार क्या हैं, मौलिक अधिकार की विशेषताएं और सभी मौलिक अधिकारों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो व्यक्ति के लिए अपरिहार्य हैं। 1973 के गोलकनाथ बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने इसका अर्थ उन नैसर्गिक अधिकारों से लगाया है जो व्यक्ति के नैतिक, भौतिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए अपरिहार्य हैं। भारतीय संविधान में भाग 3 अनुच्छेद 12-35 मौलिक अधिकारों से संबंधित हैं। यह मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा हो गई। इसके बाद अगर अपन इसके कितने मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला जो मौलिक अधिकार हैं, समानता का अधिकार। तो देखिए, समानता के अधिकार के बारे में चर्चा करते हैं। समानता का अधिकार भाग 3 अनुच्छेद 14-18। समानता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता तथा विधि के समक्ष संरक्षण का अधिकार सम्मिलित हैं। अनुच्छेद 15 के अंतर्गत धर्म, मूल, वंश तथा लिंग आदि के आधार पर विवेक का निषेध किया गया है, विभेद का निषेध किया गया है। वही अनुच्छेद 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की क्षमता स्थापित करता है। इसके बाद अगर समता स्थापित करता है, अनुच्छेद 17 के अनुसार स्पर्श का अंत किया गया है। वही अनुच्छेद 18 सेना व विधि संबंधी सम्मान को छोड़कर अन्य सभी उपाधियों के अंत का प्रावधान करता है। तो समानता के अधिकार के अंतर्गत ये सब अपन ने पढ़ा है। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आ गया और अधिकारों के बारे में चर्चा करेंगे।